हेलो फ्रेंड, वेलकम टू स्टडी 19 यूट्यूब चैनल। देखिए, आप मुझे अनअकैडमी पे भी फॉलो कर सकते हैं। आपको कुछ भी नहीं करना है, जस्ट अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल करना है, या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा हूँ, वहाँ से आप जाके आपको हेमंत मिश्रा सर्च करना है और वहाँ पे सभी कोर्सेस फ्री हैं। अगर आप रेलवे या SSC की तैयारी कर रहे हो, आपको जस्ट कोड यूज करना है study19, ठीक है? ये कोड यूज करते ही आपको सभी कोर्सेज जो हैं फ्री में मिल जाएंगे। तो सिंपल फर्स्ट स्टेप, सर्च अनअकैडमी ऐप, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, आपको फॉलो करना है हेमंत कुमार मिश्रा को सर्च करके। और अगर कोई कोर्स ओपन नहीं हो रहा है फ्री में, तो आप study19 कोड जो है यूज कर सकते हो। और भी अगर आपको प्लस क्लास खरीदना है, तो आप वीडियो के लास्ट में पूरा देख सकते हो, ठीक है? तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं अपना। पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण किसने किया था? तो दोस्तों, ये किया गया था CN बर्नार्ड के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, पहला सफल हृदय प्रत्यारोपण CN बर्नार्ड ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल का दौरा किस कारण होता है? तो दोस्तों, हृदय में जब रक्त की आपूर्ति में कमी हो जाती है, तब होता है दिल का दौरा। जी हाँ दोस्तों, हृदय की मांसपेशियों को कम रक्त पहुंचने या बिल्कुल भी रक्त न पहुंचने की वजह से ही दिल का दौरा पड़ता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन C। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है? तो दोस्तों, वो हमारी ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, अधिब्रिक यानी कि एड्रिनल ब्रिकों के जो अग्र सिरों पर टोपी के आकार की एक संरचना होती है। इसके दो भाग होते हैं, कार्टेक्स और मेडुला। दोस्तों, कार्टेक्स के लगभग 30 हार्मोन्सों में से एड्रोजेंस, एस्ट्रोजेंस आदि लिंग हार्मोन्स प्रमुख हैं। तो एड्रिनल ग्रंथि सेक्स हार्मोन्स का स्राव करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुग्धजनक हार्मोन का स्राव कहाँ पर होता है? तो दोस्तों, ये होता है हमारे पीयूष ग्रंथि में। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि में ही हमारे दुग्धजनक हार्मोन का स्राव होता है। और दोस्तों, दुग्धजनक हार्मोन दुग्ध ग्रंथियों को दुग्ध के स्राव के लिए उत्तेजित करती रहती हैं। तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट, पीयूष ग्रंथि शरीर में किस स्थान पर स्थित होती है? तो दोस्तों, स्थित होती है मस्तिष्क के आधार में। दोस्तों, एक और बात, पीयूष को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। तो पीयूष ग्रंथि शरीर में मस्तिष्क के आधार में जो है कि स्थित होती है, कहलाती है क्या? मास्टर ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो दोस्तों, ये हमारा होता है निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो दोस्तों, वो हमारा होता है पीयूष ग्रंथि। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि द्वारा सोमैटोट्रोपिन नामक वृद्धि हार्मोन का स्रावण होता है। और दोस्तों, बाल्यावस्था में इसके अल्प स्राव से शरीर की जो वृद्धि होती है, वो कुंठित हो जाती है या फिर रुक जाती है। तो कौन सी ग्रंथि वृद्धि हार्मोन का रिसाव करती है? तो हो जाएगा पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह ग्रंथि कौन सी है जो शरीर का ताप अस्थायी रखती है? तो दोस्तों, शरीर के ताप को अस्थायी रखने वाली हाइपोथैलेमस होती है। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, मैंने आपको बताया कि इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं, और हाइपोथैलेमस ग्रंथि, दोस्तों पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं, और हाइपोथैलेमस जो ग्रंथि होती है, वो पीयूष ग्रंथि के लिए भी मास्टर का काम करती है। और यह शरीर, ताप, भूख, प्यास, लैंगिक आचरण और शरीर की सुरक्षा आदि का नियंत्रण करती है। तो शरीर का ताप स्थायी रखने वाला हो जाएगा हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा दोनों बहिःस्रावी ग्रंथि और अंतःस्रावी ग्रंथि के रूप में व्यवहार नहीं करता है? तो दोस्तों, जो पीयूष ग्रंथि होती है, वो बहिःस्रावी और अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों के रूप में व्यवहार नहीं करती, बल्कि किसके रूप में करती है? तो पीयूष ग्रंथि शरीर की जो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि है, और इस ग्रंथि के हार्मोन अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करते हैं, जबकि बहिःस्रावी ग्रंथियों को नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा पीयूष। नेक्स्ट, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो दोस्तों, वो होता है हमारा अग्न्याशय। जी हाँ दोस्तों, मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि अग्न्याशय।
यह उदर गुहा में अमाशय के पीछे स्थित लगभग 15 सेंटीमीटर लंबी गुलाबी रंग की मिश्रित ग्रंथि होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा अग्न्याशय। नेक्स्ट, स्तनपाई में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? दोस्तों स्तनपाइयों में सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत होती है और सबसे बड़ा जो आंतरिक अंग है वो भी यकृत ही होता है। दोस्तों अग्न्याशय जो होता है, ये आपका अग्न्याशय, वह स्तनपाई में पाए जाने वाली दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है और पहला कौन सा है? यकृत। नेक्स्ट, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको किस प्रकार कहा जाता है? तो दोस्तों ये कहलाता है हमारा बहुप्रभावी। जी हाँ दोस्तों, जब कोई एकल जीन एक से अधिक लक्षण की अभिव्यक्ति नियंत्रित करता है तो इसको हम बहुप्रभावी या फिर प्लियोट्रॉपिक कहते हैं। तो राइट आंसर होगा बहुप्रभावी। नेक्स्ट, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो दोस्तों ये किया गया था एफ बेटिंग के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अगर इसके आविष्कार की बात करें तो सर्वप्रथम बेटिंग और बेस्ट ने इसका आविष्कार किया था। कब? तो वो हो जाएगा 1932 में। इसका जो काम है वो रुधिर में यानी कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा को सामान्य बनाए रखना है। तो इंसुलिन का आविष्कार किसने किया? तो हो जाएगा एफ बेटिंग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से इंसुलिन का रिसाव होता है? तो दोस्तों इंसुलिन का रिसाव होता है बीटा कोशिकाओं से। जी हाँ दोस्तों, इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका जो उत्पादन है या श्रावण वो अग्न्याशय में स्थित लैंगरहैंस की द्वीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं द्वारा होता है। और दोस्तों अगर इसकी कमी हो जाती है, इंसुलिन की जब कमी होती है बॉडी में या ब्लड में हमारे, तो डायबिटीज नामक रोग होता है। डायबिटीज आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी फेमस है। तो डायबिटीज जो रोग है वो इंसुलिन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण बताइए। दोस्तों हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला जो प्रोटीन है वो हमारा होता है ऑक्सीटोसिन। इसका एक उदाहरण हमारा है ऑक्सीटोसिन। जी हाँ दोस्तों, ऑक्सीटोसिन एक स्तनपाई हार्मोन के रूप में कार्य करने वाला प्रोटीन है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन संबंधी कार्य जैसे स्तनपान, प्रसव काल यानी कि डिलीवरी के टाइम में गर्भाशय ग्रीवा और योनि के फैलाव, मातृत्व गुणों के विकास में इसका जो है कि योगदान होता है। तो हार्मोन के रूप में कार्य करने वाले प्रोटीन का उदाहरण तो हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। नेक्स्ट, जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्यों को आकर्षित करने के लिए मोचित किए जाने वाले रासायनिक द्रव्य कौन से हैं? दोस्तों वो हमारा है फेरोमोन। जी हाँ दोस्तों, फेरोमोन एक गंधयुक्त वाष्पशील जो है वसी अम्ल होता है जिनके हवा में उड़ते गंध संवेदना के कारण ही जो उस जाति के अन्य सदस्य होते हैं वो प्रभावित होते हैं यानी कि खींचे आते हैं। तो कुछ जीव जो होते हैं वो बोम्बिकोल या जेप्लूर नामक फेरोमोन्स भी मुक्त करते हैं। तो फेरोमोन क्या है? यह जानवरों की एक जाति द्वारा उसी जाति के अन्य सदस्य को आकर्षित करने के लिए छोड़ा जाने वाला रासायनिक द्रव्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में कौन सी ग्रंथि है जिसका संबंध शरीर की उत्तेजना से है? दोस्तों मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था सेक्स हार्मोन जो स्रावित करता है अधिभ्रिक यानी कि एड्रिनल ग्रंथि। दोस्तों एड्रिनल से एड्रिनलिन और नॉर एड्रिनलिन नामक हार्मोन निकलते हैं जो शरीर को उत्तेजित करते हैं। इसे हम संघर्ष या पलायन हार्मोन्स भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा अधिभ्रिक या एड्रिनल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस हार्मोन को आपातकालीन हार्मोन कहते हैं? आपातकालीन हार्मोन, तो दोस्तों वो भी हमारा कहलाता है एड्रेनालिन। दोस्तों जब शरीर तनाव की स्थिति में हो, जैसे डर हो, क्रोध हो, अपमान हो, पीड़ा हो, तब एड्रेनिल हार्मोन का जो है श्रावण होता है। दोस्तों आपातकालीन परिस्थितियों में यह शरीर को सामान्य अवस्था में लाने में सहायता करता है, इसीलिए हम इसे जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं, जीवन रक्षक हार्मोन। तो आपातकालिक हार्मोन कहलाता है एड्रिनलिन, जिसे हम जीवन रक्षक हार्मोन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह नरलिंग हार्मोन है कौन सा? तो दोस्तों इसमें है ये हमारा टेस्टोस्टेरॉन।
जी हाँ दोस्तों, नरलिंग हार्मोन को एड्रोजन के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन मुख्य नरलिंग हार्मोन को जो है टेस्टोस्टेरोन कहते हैं। इसके अतिरिक्त नर हार्मोन को डिहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन भी कहते हैं। तो राइट आंसर होगा टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कार्पस ल्यूटियस क्या स्रावित करता है? दोस्तों हमारा हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। जी हाँ दोस्तों, कार्पस ल्यूटियम महिलाओं में गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए बहुत ही जरूरी होता है, आवश्यक होता है, और दोस्तों यह प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन को स्रावित करता है। तो कार्पस ल्यूटियम तो हो जाएगा प्रोजेस्टेरोन। नेक्स्ट, ग्रेव का रोग किस कारण से होता है? दोस्तों थायराइड की अति सक्रियता से जो है कि ग्रेव का रोग होता है। दोस्तों थायराइड ग्रंथि के द्वारा जब अत्यधिक मात्रा में थायराइड हार्मोन का श्रावण होता है तब यह रोग होता है। थायराइड हार्मोन के इस अत्यधिक श्रावण को हम हाइपरथायरॉयडिज्म कहते हैं। तो ग्रेव का रोग तो हो जाएगा थायराइड की अति सक्रियता के कारण। अब देखो, अगर आप अनअकैडमी प्लस बाय करना चाहते हो तो आप मेरा कोड यूज कर सकते हो Study19 किसी भी जो एग्ज़ाम के लिए, SSC हो गया, UPSI हो गया, रेलवे एग्ज़ाम हो गया या UPSC एग्ज़ाम हो गया, हर एग्ज़ाम के लिए आपको एक अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप मेरा कोड यूज करते हो Study19। इसके साथ ही जो आपकी रेटिंग, जो आपकी क्रेडिट है, ठीक है, जो आपको पॉइंट मिला है, वो भी पॉइंट आप डिस्काउंट में जो है आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप मुझे अनअकैडमी पे ज़रूर फॉलो करें। जस्ट आपको सर्च करना है हेमंत मिश्रा, अनअकैडमी ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और वहाँ पे मेरी कम से कम 40 से 50 फ्री लाइव क्लास होने वाली हैं जो कि आपको रेलवे और SSC एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो आपको फ्री लाइव क्लास कैसे मिलेगी? आपको जस्ट मेरा कोड यूज करना है Study19। Study19 कोड यूज करके आप वो फ्री क्लास का बेनिफिट उठा सकते हैं, ठीक है। आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हैं दोस्तों, ये होती हैं मुख्य कोशिकाएं। जी हाँ दोस्तों, पेप्सिन जो कि एक पाचक एंजाइम है जिसे मुख्य कोशिकाओं के द्वारा स्रावित किया जाता है। दोस्तों मुख्य कोशिकाएं पेट की ग्रंथियों के नज़दीक भरपूर मात्रा में, आप कह सकते हैं प्रचुर मात्रा में मौजूद रहती हैं। तो आमाशय ग्रंथियों की पेप्सिन स्रावी कोशिकाएं हो जाएंगी मुख्य कोशिकाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्तनपायियों में स्वेद ग्रंथियां मूलतः संबंधित हैं किससे? तो दोस्तों जो स्वेद ग्रंथियां हैं वो संबंधित होती हैं ताप नियमन से। जी हाँ दोस्तों, स्वेद ग्रंथियां जो कि अस्तनी वर्ग के प्राणियों के त्वचा में पाया जाता है, इनका जो मुख्य कार्य है वो तापमान का नियंत्रण करना है। दोस्तों हालांकि ये ग्रंथियां जो होती हैं अतिरिक्त लवणों, कुछ नाइट्रोजनी पदार्थों का उत्सर्जन भी करती हैं, लेकिन इनका जो अगर मेन काम हम देखेंगे तो वो होता है ताप नियमन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, घेगा निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? दोस्तों ये होता है आयोडीन की कमी के कारण। जी हाँ दोस्तों, आयोडीन की कमी के कारण घेगा रोग होता है, और जब घेगा रोग होता है तो इसमें थायराइड ग्रंथि के आकार में जो है कि बहुत ही वृद्धि हो जाती है। थायराइड जो ग्रंथि हमारी कह सकते हैं फूल जाती है, जिसके कारण हमारा गर्दन जो है फूला हुआ दिखाई देता है। दोस्तों आयोडीन की जो पूर्ति है वो आयोडीन युक्त नमक, मछली और हरी पत्तेदार सब्जियां खाने से मिलता है। तो घेघा निम्नलिखित में से किसकी कमी कारण होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आयोडीन। नेक्स्ट, मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक कौन सा है? दोस्तों वो होता है हमारा मेलानिन, यानी मानव त्वचा को रंग देने वाला वर्णक तो हो जाएगा मेलानिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एसिटी हार्मोन स्रावित होता है किससे? तो दोस्तों ये स्रावित होता है हमारे पीयूष ग्रंथि से। जी हाँ दोस्तों, पीयूष ग्रंथि, जिसे मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि पीयूष ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। तो एसिटी हार्मोन कार्टिकोट्रापिन के नाम से भी जाना जाता है, जो अग्र पीयूष ग्रंथि के द्वारा उत्पादित और स्रावित होता है। और दोस्तों ये जो एसिटी हार्मोन है ये एड्रिनल ग्रंथि को जो है कि नियंत्रित करता है। एसिटी हार्मोन एड्रिनल ग्रंथि को नियंत्रित करता है। तो हमारा एसिटी हार्मोन स्रावित होता है, तो राइट आंसर होगा पीयूष ग्रंथि से। नेक्स्ट क्वेश्चन, डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होता है? तो दोस्तों वो होता है हमारे इंसुलिन के कम बनने से।
यानी कि अगर हमारे ब्लड में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो डायबिटीज नामक रोग होता है। तो डायबिटीज मेलिटस किस हार्मोन के कम बनने से होती है? तो राइट आंसर होगा इंसुलिन के। नेक्स्ट, तंत्रिका कोशिका मानव शरीर के किस तंत्र का हिस्सा है? दोस्तों तंत्रिका कोशिका तंत्रिका तंत्र का हिस्सा होता है। जी हाँ दोस्तों, यह रचना और कार्यकी में शरीर के सबसे जटिल कोशिकाएं होती हैं और यह शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। तंत्रिका तंत्र शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। नेक्स्ट, न्यूरॉन क्या होता है? दोस्तों एक ही क्वेश्चन बार बार घुमा करके पूछता है। न्यूरॉन दोस्तों हम तंत्रिका तंत्र को ही कहते हैं। तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन तंत्रिका तंत्र में स्थित एक उत्तेजनीय कोशिका होती है। तो न्यूरॉन क्या होता है? तो यह हमारा हो जाएगा तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य का मस्तिष्क कितने भागों में विभाजित है? दोस्तों विभाजित होता है तीन पार्ट में, यानी मनुष्य का मस्तिष्क तीन भाग में विभाजित है। कौन कौन से? तो वो हो जाएगा अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और तीसरा हमारा पश्चिम मस्तिष्क। तो राइट आंसर क्या होगा? तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने और उगलने का नियामक केंद्र है? तो दोस्तों वो होता है हमारा मेडुला ऑब्लोगेटा। दोस्तों ये जो हमारे मस्तिष्क का सबसे पीछे का भाग होता है, मेडुला ऑब्लोगेटा सबसे पीछे का भाग होता है और इसका जो मुख्य कार्य है वो उपापचय, रक्तदाब और आहार नाल के क्रमाकुंचन, ग्रंथि स्राव और हृदय की धड़कनों का जो है कि नियंत्रण करना है। तो मानव मस्तिष्क का कौन सा अंग निगलने उगलने का नियामक केंद्र है? तो हो जाएगा मेडुला ऑब्लोगेटा। नेक्स्ट, जन्म के बाद मानव के किस ऊतक में कोई कोशिका विभाजन नहीं होता है? तो दोस्तों वो हमारे तंत्रिका में, मानव में तंत्रिका ऊतक में कोई भी विभाजन नहीं होता। जो तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो विद्युत रासायनिक प्रेरणाओं के रूप में संवेदी अंगों से सूचनाओं का प्रसारण करती हैं। तो राइट आंसर क्या होगा? तंत्रिका। नेक्स्ट, श्वसन कैसी प्रक्रिया मानी जाती है? तो दोस्तों श्वसन अपचयी प्रक्रिया मानी जाती है, यानी श्वसन क्रिया अपचयी प्रक्रिया के द्वारा होती है। तो राइट आंसर होगा अपचयी प्रक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? दोस्तों पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि मानव शरीर में जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है, यानी कि तंत्रिका कोशिका। और अगर हम इसके लंबाई की बात करें तो ये होती है 90 सेंटीमीटर। तंत्रिका तंत्र की कोशिका 90 सेंटीमीटर, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका। नेक्स्ट, सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग कौन सा है? तो दोस्तों सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग तो हो जाएगा लेंस, यानी लेंस सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग है। लेंस जो होता है आयरिस के भीतर की ओर नेत्र गोलक की गुहा में एक बड़ी सी रंगहीन पारदर्शक क्रिस्टैलिन नामक प्रोटीन की लचीली संरचना होती है। दोस्तों इसके बहुत ही अपारदर्शी हो जाने से दिखाई देना बंद हो जाता है, जिसे हम मोतियाबिंद कहते हैं। तो सबसे अधिक अपवर्तनांक वाला आँख का अंग तो हो जाएगा लेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक आदमी 10 मीटर की दूरी साफ नहीं देख पाता है तो वह किस रोग से ग्रसित है? दोस्तों वो होता है दूरदृष्टि दोष। जी हाँ दोस्तों, जनरली होता क्या है, निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष में हमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन दूर की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, और दूरदृष्टि दोष में दूर की वस्तुएं साफ दिखाई देती हैं लेकिन निकट की वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूरदृष्टि। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रैकोमा बीमारी निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित है? तो दोस्तों ट्रैकोमा बीमारी संबंधित है आँख से। जी हाँ दोस्तों, ट्रैकोमा आँखों की एक संक्रामक बीमारी है। यह क्लेमाइडिया ट्रैकोमेटिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है और दोस्तों अगर हम इसका उपचार समय से न कराएं तो ब्लाइंडनेस हो जाता है। तो ट्रैकोमा बीमारी आँख से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
बुद्धि का केंद्र कहाँ स्थित है, या फिर बुद्धि का केंद्र स्थित है तो दोस्तों वो स्थित है हमारे प्रमस्तिष्क में। प्रमस्तिष्क हमारी भावना, विचारधारा, स्मरण शक्ति और बुद्धि एवं इच्छाओं का केंद्र होता है और यही हमारी मानसिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। तो बुद्धि का केंद्र प्रमस्तिष्क में स्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई व्यक्ति रोता है तो इसके सक्रियण के कारण नाक से जल विसर्जन होता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति रोता है तो उसके नाक से जो पानी निकलता है तो वो किस सक्रियण के कारण निकलता है या किसके कारण से निकलता है, तो दोस्तों वो होता है हमारा अश्रुकारी ग्रंथि, यानी अश्रुकारी ग्रंथि आंसुओं के लिए उत्तरदायी होती हैं। जब हमारी तीव्र भावनाएं होती हैं, जैसे दुख होता है, भय होता है, खुशी होता है, तो उस समय हमारी आँखों से आंसू निकलते हैं। और लैक्रिमल ग्लैंड्स यानी कि जो अश्रुकारी ग्रंथि है, इसी की सक्रियता के कारण रोते समय हमारे नाक से पानी निकलने लगता है। तो राइट आंसर क्या होगा, अश्रुकारी ग्रंथि। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्णांध व्यक्ति, तो दोस्तों वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। दोस्तों वर्णांधता यह एक अनुवांशिक जो है कि बीमारी है, अनुवांशिक बीमारी है जिसमें मनुष्य लाल और हरे रंग में अंतर नहीं कर पाता है। दोस्तों अगर इसकी खोज की बात करें तो सबसे पहले जो इसकी खोज थी वर्णांधता की, वो हार्नर ने की थी। इसकी खोज हार्नर के द्वारा की गई थी। दोस्तों कुल जनसंख्या के लगभग 8% लोगों में वर्णांधता पाई जाती है, तो वर्णांध व्यक्ति कुछ रंगों के बीच भेद नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, EEG का प्रयोग किसकी गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो दोस्तों EEG का प्रयोग हम करते हैं मस्तिष्क की गतिविधि को दर्ज करने के लिए। दोस्तों EEG क्या है, तो इलेक्ट्रो इनसेफेलोग्राफी, यह एक टेस्ट है जो मस्तिष्क की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है, तो राइट आंसर होगा मस्तिष्क। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो उसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।